Thank you so much, Dr. Azhar. Dr. Azhar, well said that in Kargil we have so many cases of substance abuses, and we have so many young boys who are taking smoke. And there's Dr. Bardi has already said that the tobacco is the gateway to every substance abuses. So thank you so much, sir. मेरी एक दूसरा जो है वो डॉक्टर मुर्तजा अली से क्वेश्चन होगा कि जिसे हमने पहले कहा था दी दैट इन आर डिस्ट्रिक्ट वी हैव सो मेनी केसेस ऑफ पेशेंट विद आईडी एडीएचडी ऑटिज्म एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स विच इज़ अगेन एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस सर बिकॉज वी हैव 110 केसेस विद अस टिल नाउ ऑफ एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर ऑटिज्म एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स सो मेरा क्वेश्चन डॉक्टर मुर्तजा अली जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं उनसे ही होगा सर कि क्यों हमारे पास वाई वी हैव सो मेनी केसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद अस एंड वाई वी हैव आईडीज एंड एडीएचडीज विद अस इन आवर डिस्ट्रिक्ट थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन बेसिकली दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द केसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज आई हैव सीन इन दिस एरिया दे आर वेरी हाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स these patients have impairments in intellectual functioning and this happens during the developmental period usually taken as up to 18 years of age so this is a neurodevelopmental disorder so basically these children they have below this intelligence quotient or IQ which we say they have less than 90 or the normal range सो इन बच्चों को क्या होता है इनको जो प्रॉपर जो फंक्शनिंग होती है वो इम्पेयर्ड रहती है जैसे इनका डेली सोशल फंक्शनिंग होती है वो इम्पेयर्ड रहती है जैसे कंसेप्चुअल मनी कंसेप्ट्स होते हैं या कुछ खरीदना होता है इनको उसमें इम्पेयरमेंट्स आते हैं जैसे कॉम्प्रहेंशन पढ़ने का लिखने का उसमें भी इम्पेयरमेंट्स आते हैं तो इसके बहुत सारे काजेज़ हैं बहुत सारे रीजन्स हैं उसके ये क्यों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इस एरिया में क्यों ज़्यादा प्रवेलेंट है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों में होती है वो है प्रीनेटल इन्फेक्शंस आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जो मदर्स होती हैं उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ भी इन्फेक्शन मीजल्स मम्प्स रूबेला होता है या कोई कंजनाइटल सिंड्रोम होगा जैसे डाउन सिंड्रोम होता है तो उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है जैसे जैसे टाइम पीरियड या मैटरनल माल नरिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट या जो एनीमिया सीवियरली एनीमिक मदर्स होते हैं और सबस्टेंस यूज अमंग मदर्स that can also lead to this intellectual disability like we have alcohol use disorders in mothers so basically aur jaise sabse zyada important period jo hai wo hai perinatal time period mein agar birth asphyxia ho gaya bache ko so that baby will be having intellectual disability for lifelong so iske liye for improving maternal and child health care that's very much needed सो उसके बाद अगर बचपन में चाइल्डहुड में कोई हेड इंजरी होती है हेड ट्रामा होता है तो उसकी वजह से हो सकता है सो प्रिवेंशन ऑफ हेड ट्रामा ड्यूरिंग चाइल्डहुड बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए सो दैट दे कैन नॉट हैव दिस ट्रामा बेसिकली आई हैव वन पेशेंट तो उसको ही वाज एक्चुअली इन आईसीयू एट दैट टाइम सो उसको नर्स ने उठाया था हाथ पे कहीं जहाँ पे उनकी डिलीवरी हुई थी एंड वो गिर गए उनके हाथ से तो अगर आप उनका एमआरआई आज भी देखेंगे देयर इज नो फ्रंट दिस हॉस्पिटल लोब देयर इज बिग gap and gliosis in occipital lobe so basically trauma after birth that can also cause this intellectual disability similarly childhood infections that can be a reason so ab hum prevent kaise karenge inko prevent karna hai hum isko aise kar sakte hain we have to improve the maternal and child health care we have to go for proper immunization protocol of these children and we have to so jo childhood accidents hote hain wo prevent karne hain hame और जो बच्चों को माल न्यूट्रिशंस होती है उसको अगर हम ये काउंटर करेंगे माल न्यूट्रिशंस अगर प्रिवेंट करेंगे हम अच्छे से तो दिस कैन बेनिफिट दिस चिल्ड्रन एंड आल्सो दिस बेसिकली दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन टू दिस इम्प्रूव दिस और टू अवॉइड दिस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिकॉज दिस इज अ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी इफ योर चिल्ड्रन इज डिसेबल्ड एट बर्थ सो ही विल बी लाइक दैट लाइफ लॉन्ग देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दैट only we can manage the behavioral disturbances of this patient like they come with aggression they come with these sleep disturbances they come with this wandering behavior there is improvement in those symptoms and the family burden in these patients is very high because the mental age of these patients that's very low you can say that he is mentally 2 3 or 4 year old but his body is growing so his body there is a mismatch between body and the mind
So basically there comes the behavioral disturbances. Actually they are not able to get adjusted in this life, like they are having this intelligence of 2 or 4 year old baby. So aggression, sleep disturbance, wandering behavior, that comes. But I want to say through media to all those people, because intellectual disability is very much prevalent here, these patients, they have get improved. Inko farak hoti hai kuch cheezon se, jaise inko sleep ka disturbance hona ya isme aggression, jab gussa karna, ghar se bhag jana, wandering behavior rehna, to un sari cheezon mein farak ho jata hai inko. Aur agar aap hamare paas inko late hain to in cheezon mein agar inko improvement hota hai, jo aapke paas burden hai, kyunki dekha gaya hai jo intellectually disabled mothers hoti hai unme sabse zyada jo psychiatric morbidity hoti hai depression, bahut common depression hota hai. Aur ye dekha gaya hai ki jo special schools mein bacche jate hain jinko इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या प्रीवियसली जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, अभी हम वो मेंटल रिटार्डेशन टर्म यूज़ नहीं करते हैं, तो जो स्पेशल स्कूल्स जाते हैं उन मदर्स में कम डिप्रेशन एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन हु आर स्टेइंग एट होम, जो घर पे रहते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर उनके पास इंटेलेक्चुअली, बेसिकली हमारे पास एक फैमिली ऐसी है जिसके पास 3-4 kids, आई गेस दे हैव 4 kids एंड ऑल आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड. So this bears a lot on the family and it has a huge burden. So if there is any patient like this who has intellectual impairment, we can help that patient. Yeah, genetics can be there. Genetic rogue has, because jo syndromes hote hai, childhood syndromes like Down syndrome is there, Fragile X syndrome is there, and jo metabolic syndromes hote hai hamare paas, jaise गैलेक्टोसीमिया एक डिसऑर्डर है उसमें भी होता है, या फिनाइल क्यूटोन यूरिया होता है उसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, या प्रिवेंटेबल काज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज चाइल्डहुड या दिस नियोनेटल हाइपोथायरायडिज्म. अगर हम टाइमली मैनेज करेंगे चाइल्डहुड हाइपोथायरायडिज्म पहले, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, वी कैन प्रिवेंट दिस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर साहब. जैसे डॉक्टर साहब राइटली सेड दैट हमारे पास एक फैमिली से ही 4 बच्चे ऐसे जिनको आईडीज है, तो उनके पेरेंट्स दे आर ऑल्सो इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द, क्योंकि हर बार वही बच्चे देख रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स देख रहे हैं. जैसे उन्होंने कहा कि जो बच्चे जिस आशा स्कूल्स में ऐसे बच्चों को हम एडमिट करते हैं, अगर वो बच्चे पेरेंट्स से 4-5 घंटे के लिए ही अलग होकर दूर किसी स्कूल्स में भेजें, तो पेरेंट्स में जो डिप्रेशन का लेवल है काफ़ी हद तक कम हो सकता है. तो हमें भी थोड़ा सा आईडीज पे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. तो मेरा और एक क्वेश्चन होगा डॉक्टर मुर्तजा सर, देख दैट जैसे डॉक्टर बर्दी साहब हैं, आपके भी कई पेशेंट्स होंगे जो एंटी डिप्रेशंस पे हैं, तो एंटी डिप्रेशंस पे डालने से पहले हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे भी मैं ऐसे नोडल ऑफिसर में भी काफ़ी पेशेंट्स को एंटी डिप्रेशन रखती हूँ, जैसे डॉक्टर बर्दी साहब हैं, डॉक्टर सज्जाद हैं, या डॉक्टर अजहर हैं, हर कोई रखते हैं, बट हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे किसी भी पेशेंट को एंटी डिप्रेशंस पे डालने से पहले? बिकॉज एंटी डिप्रेशन कोई एक ऐसी दवा है जिसको 1-2 महीने में तो ठीक होने वाली नहीं, जिसको 6 months, 9 months या कभी आदमी को 1 साल, 2 साल के लिए भी लेनी पड़ती है एंटी डिप्रेशेंट जो SSRIs हैं. तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, जिसमें ड्रग इंटरेक्शन वगैरह अगर हम उसकी बात करें तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले लें? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो फर्स्ट क्लास है, जैसे सर को भी पता होगा, बाकी आपको भी पता होगा, हमारे पास SSRI होते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं. तो दूसरा क्लास होता है TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. थर्ड इज मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. ये सारे एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, डिफरेंट क्लास, एंड दे हैव डिफरेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ देयर ओन. बट हमारे पास जो कंसल्टेशन लाइजन साइकेट्री में जो इश्यूज आते हैं वो ये है कि हाइपोनेट्री में इज़ वेरी कॉमन, जो जैसे सर डालते होंगे या आप सर डालते होंगे एंटी हाइपरटेंसिव पे. व्हेन वी पुट पेशेंट्स ऑन एंटी हाइपरटेंसिव, सो दे बेसिकली हैव हाई चांसेस ऑफ गोइंग इनटू हाइपोनेट्री में बिकॉज ऑफ दीज एंटी डिप्रेसेंट्स, लाइकली SSRIs एंड TCAs. सिमिलरली देर आर सर्टन दिस एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, लाइक वी हैव एमिट्रिप्टिलिन, इमिप्रामीन, वी हैव डेसिमिप्रामीन. सो बेसिकली दे आर कार्डियोटॉक्सिक, दे हैव दिस क्यूटी प्रोलॉन्गेशन इफेक्ट. So basically, we have to exercise caution in those who have already existing long QT syndromes and all. So third one is monoamine oxidase inhibitors. We know that they are used rarely; they are not used that much, but they cause certain cheese reaction when we eat tyramines and all. So they can cause hypertensive crisis.
So basically, when we have patients on these medications or like antidepressants and all, so we have to keep these things in mind, whether he is on hypertensives and all, because hypernatremia is a real-time emergency and it can lead to death of patients, and also these tricyclic antidepressant-induced cardiac toxicity. Thank you. जी, thank you, doctor साहब. Doctor Tanveer, जो NCD OPD, non-communicable disease के OPD चलाते हैं, तो doctor साहब, अब मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि OPD में डेली बेसिस पे कौन कौन से पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स. तो क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का OPD चलाते हैं, तो बर्डन जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही पता कि डॉक्टर्स यहाँ ही अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा जो साइकेट्रिक सेक्शन है वो हमने ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा है, पेशेंट्स वहाँ भी आते हैं. अभी हमने कहा कि पर डे अभी हमारे पास 30 to 40 पेशेंट्स पर डे हम वहाँ पे भी देख रहे हैं. तो कुछ पेशेंट जिनको नहीं पता कि साइकेट्रिक जो OPD है वहाँ चलता है, या साइकेट्रिक IPD भी हमने वहाँ पे रखा हुआ है, पेशेंट को हम एडमिट भी करते हैं वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में कि क्योंकि जिन पेशेंट को नहीं पता है वो आपके पास या आपके OPD में ही आएंगे. आप ज़रा बता दीजिए कि कितने पेशेंट्स आपके पास पर OPD आपके पास आते हैं. थैंक यू मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. हमारे पास यही जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, सबस्टन एब्यूज, और एक दो बार एक इमरजेंसी क्राइसिस आई थी जिसमें न्यूरो एपिलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो यहाँ पे हेलोपेरिडॉल पे बहुत टाइम से था, तो कैजुअलिटी में वो आया था, यही फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपरथर्मिया करके, तो जिसको हमने बाद में कंसल्टेशन करवाई थी डॉक्टर साहब से, तो फिर हमने श्रीनगर रेफ़र किया था. और भी एक आया था जो ये SSRI और TCA पे थे, जिनको बाद में हाइपोनेट्रीमिया हुआ था और कैटाटोनिया के भी फीचर्स थे, तो उनको भी हमने फिर रेफ़र किया था. एमरजेंसी दो केसेस आए थे जो हमारी समझ के बाहर ही थे, बाकी न्यूरो इमेजिंग करवाई थी, वो सब ठीक थे, तो बाद में जिनको हमें श्रीनगर भेजना पड़ा. बाकी तो एवरीडे एक दो तीन ये हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शंस आते रहते हैं, और लोकल नहीं तो आउटसाइड से सबस्टेन एब्यूज, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, ये तो हर दिन आते ही रहते हैं हमारे पास. लेबर क्लास में जो है नेपालीज होते हैं, UP से होते हैं, ये बहुत आते हैं हमारे पास. अल्कोहलिक ये तो होते हैं, हाँ ये बहुत आते हैं हमारे पास. थैंक यू डॉक्टर तनवीर, थैंक यू सो मच. सबस्टांस एब्यूसेस के केसेस हमारे पास हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर तनवीर साहब ने बताया कि लेबर क्लासेस में जो हिमाचल से, नेपाल से जो लेबर्स हैं, उनमें सबस्टांस एब्यूज और अल्कोहल इंटेक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास भी हैं ऐसे केसेस जो बाहर से ही आते हैं. कभी कभी क्या होता है सर कि उनको रास्ते में अगर कहीं रुकना पड़े, या जस्ट बिकॉज रोड ब्लॉकेज की वजह से अगर ऐसे पेशेंट्स रात को रुकते भी हैं कहीं पे, तो उनमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और क्रेविंग की वजह से उनके सारे साइकेट्रिक सिम्टम जो है वो डेवलप होके आ जाते हैं. क्योंकि रिसेंटली हमारे पास हमारे OPD में से कई केसेस आए थे जो क्रेविंग की वजह से सडनली उनको वो जो भी सबस्टांसेस थे उनको वो नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस उसमें सारे डेवलप हो गए थे. तो डॉक्टर मुर्तज़ा अली से मैं और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. जैसे डॉक्टर जहरा ने कहा कि पोस्टमार्टम परफ्यूरल साइकोसिस या पोस्टमार्टम साइकोसिस जो केसेस हमारे पास हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में थोड़ा सा आप नज़रसानी करें कि ट्रीटमेंट कहाँ से कैसे करना है, अवेयरनेस किसको देनी है, फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट को, खुद को, या पब्लिक को भी थोड़ा सा हमें अवेयर करने की कराने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस परफ्यूरल साइकोसिस. थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन मैम. बेसिकली मैं इस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा, पोस्टमार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ये खाली दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू पोस्टमार्टम साइकोसिस ओनली, बट वी हैव मेनी पोस्टमार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, लाइक वी हैव पोस्टमार्टम ब्लूज, जिसको बेबी ब्लूज भी कहते हैं, विच इज़ मोस्ट कॉमन. इसमें प्रोवलेंस ये है कि अगर हम एक गायनेकोलॉजिकल या ओबेस्ट्रेटिक वार्ड में देखेंगे तो इट हैज़ ए प्रोवलेंस ऑफ 50 to 75%. सो एमंग द कॉमन फीमेल्स हु आर अंडरगोइंग डिलीवरी, 50 to 75% फीमेल्स आर दोज हु हैव पोस्टमार्टम ब्लूज,
but this is short lasting. This remains for few days. The female is teary, she has weeping episodes, she has little bit irritability, but with our proper care, जैसे हम उनका care करेंगे, assurance देंगे, this passes on, वो ठीक हो जाती है. So no treatment is indicated for postpartum blues. दूसरी condition जो postpartum psychiatric illness जो आती है उसमें postpartum depression. Postpartum depression has a prevalence of about 15-20% among the delivery, which is very high. So this needs treatment. Basically इनको जो females ऐसी होती हैं उनको bonding में problem हो जाती है बच्चे के साथ. And we have seen from learning the child development that this bonding जो होती है बच्चे के साथ नहीं होती है. They have later on attachment issue in their adult life. So basically this needs to be treated and antidepressants are very effective. इसमें antidepressants बहुत effective रहते हैं. जैसे हमारे पास sertraline है, sertraline is very safe during the best breastfeeding, and also escitalopram and all, we can give them, then there is no issue in breastfeeding and all. So ye treatment ke sath ho jata hai theek. Third is postpartum psychosis. Postpartum psychosis is a severe issue, this severe this psychiatric emergency, and the patient should be referred to a treating psychiatrist. So basically the plan of management is we admit the patient, usko admission rakhte hain, and he is put on antipsychotics. Antipsychotic is the main stay of the treatment, and first thing needed to be done is separate the baby from mother, क्योंकि इसमें infanticide बहुत ज़्यादा होता है. जो mother होती है, there have been cases where the mother has killed the baby. So because इनको ऐसे delusions होते हैं, इनको लगता है कि बच्चा ही मुझे मारने की कोशिश करता है, so they get persecuted related to the child. So इनको पहला है separation, दूसरा treatment in IPD, and exercising various precautions, like जैसे कोई suicidal patient होता है, we keep 24/7 vigil to the patient and we have these precautions and always stay around. वैसे ही इनके साथ भी रहना है, stay 24/7, because the patient has acute psychotic episode, so she is not able to recognize things. So the mainstay treatment is IPD admissions, antipsychotic use, separation of baby for time being, and taking proper care of baby and mother. So third, we have some other psychiatric issues that develop postpartum period. One is called postpartum this post traumatic stress disorder, and postpartum OCD jisko bolte hai, but they have low incidence as compared to these three. So these three are the main psychiatric disorder that should be treated. Thank you. So being a psychiatrist, obviously we should take advantage. So what about this parental fatigue? Because it's very common in our society, because the child is going to the school and the parents have too much of a stress related to the child, you know, what is termed as a parental fatigue. So just can you just comment on that? Thank you for the question, sir. Basically we have talked about this thing. This parental fatigue, this is a real thing, this happens because when a person becomes parent, there are many factors that change in his life. So basically when early on, not only limited to females, we say that this psychiatric illness, postpartum psychiatric illness, these are certain times it can happen in males also. They can develop certain kind of mood disorders, like they may be sub threshold, but with the parenthood it develops certain period of time. But if it is not affecting the functioning of a person, we say psychiatric disorders are only diagnostic when they cause impairments in functional life and social life. So if parental fatigue is there, if there is we can have talk with the thing, but we have to see what is the real issue, why it is happening. So it can be of many reasons. One thing can be because the child might be having certain kind of problem, he might be behaving like that. See, we have seen these children, parental fatigue is most common among the children who have ADHD diagnosis. So we have to see whether this child might be having problem that is difficult to deal for the parent. Basically, I have certain patients with me, like ADHD 30-40 patients, and all of them have burden. We say it as a burden on the parent. So basically we have to see whether the child might be doing things that are affecting the parents, or the parents might be having those certain issues that he is not dealing with properly. So we have to properly evaluate the situation, what is the situation and where from it is coming. So there can be a lot many reasons where from the parental fatigue is coming, so we can deal with that appropriately. Thank you so much, sir. Kishore ko koi question regarding any issues to the psychiatrist? So thank you so much, experts ka. Dr. Bardi, main last mein aapse ek question karna chahungi, sir. Being a physician, aapko kya message hoga, sir, regarding, because abhi humne kaha ki we have so many cases of psychiatric in patients in our district, to usko kam karne ke liye
वो मैं डॉक्टर मुर्तजा से बाद में पूछूंगी, पहले आप, क्योंकि बिकॉज यू आर वर्किंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम लास्ट 10-20 ईयर्स, तो आपका ज़्यादा अच्छा पिक्चर होगा, क्योंकि उससे पहले आप ही थे, अब डॉक्टर विलायत जो फिजिशियन, आप ही देखते थे कि अब साइकेट्रिक पेशेंट्स को आप ही डील करते थे, तो आपका यहाँ के सिनारियों के बारे में थोड़ा सा को पता भी होगा कैसे पेशेंट्स डील करते, और टू इस चीज़ों को कम करने के लिए बीइंग ए पेरेंट्स या बीइंग ए सिटीजन, क्या आपका मैसेज होगा सर, ताकि जो साइकेट्री की जो केसेस, एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, सबस्टांस अब्यूज केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या मैसेज होगा सर आप एक बीइंग ए डॉक्टर टू द सोसाइटी? थैंक यू. इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द अवेयरनेस जनरेशन, यू नो, दैट इज़ वट आई फाइंड इट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आई मीन बिकॉज वंस यू आर जनरेटिंग अवेयरनेस स्पेशली इन द स्कूल्स, यू नो, स्कूल्स आई थिंक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड नॉट बी निगलेक्टेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एज रैडली सर इज यू नो टोल्ड अस इन डिटेल अबाउट द पेरेंटल फैटिक्स एंड अदर थिंग्स, आई थिंक दिस आई हैव सीन क्वाइट कॉमन among the parents, you know, whether the, when the school, that the child is going to the school and there are a lot many problems in the school as such, and there's a lot of burden on the parents. And so this kind of a parental fatigue, which sir had told us in detail also, so this is quite common. I think this needs to be addressed, you know, quite aggressively also. Because a lot of parents, they do come with all kinds of mental disorders also, and that has a bearing on the child also, because this, because his scholastic school performance goes down. So this also have an effect. Second thing is that generating now such kind of a program, I mean, where we can have a, we're having a panel discussion and other things, I think this is also extremely important, because this will again generate awareness among the people. So awareness generation is extremely important. And second thing is this somebody who is suffering from a disease, I mean, this he should seek the help of the, you know, doctors, especially of the psychiatrist. So they need to go to the psychiatrist, and they should take medications and whatever is required and whatever is being prescribed, that has to be followed. And second thing is the adherence to the drugs, because most of the time the compliance is very poor. We have seen a lot many patients that they are taking medicine and suddenly they stop the medicine. Sometimes the medicines takes a bit of a time. You know, it may take a few days to have an effect. So once they don't have an effect in the initial period, you know, they start, they immediately stop it. They think that the drug is not having its effect, and they immediately stop it. So that is another problem. So drug compliance is an issue. So again, the awareness has to be given to the attendants also as to how to give the drugs. And second thing is the amount of the drug which, you know, the strips and other things which they are purchasing from the market. So that is also important. We have had patients who had, you know, where they had taken the bulk of, you know, the medications, and we have seen then some of the patients, you know, especially the psychiatrist patient, they had consumed the whole drug in toto. So that is again, and they come with the poisoning. So that kind of a thing, because how much of its medication has to be kept, and who has to give the medicine, how it has to be given. So there has to be monitored quite closely in such situations. And there are drugs, sir may, you know, throw some light on that also, which increases suicidal tendencies. So there are medications which increases suicidal tendencies. So suppose you are giving a drug and it may increase the suicidal tendency. And if they are taking a bulk of the drugs, you know, at home, then they may consume those kinds of medications. So we have had incidences like that where they had consumed the whole drugs, you know, the whole strips, multiple strips they had taken home and they had consumed it. So these are another one which I think, you know, we have to generate awareness among the people as such. So I think these are a few of the issues. And second thing, now having a psychiatrist around, so people, again, you have to generate this awareness through media. I said that we have a psychiatrist around, and they should seek the help of the psychiatrist as and when they have a problem. Rather, most of the people we have seen that they go to the you know, quacks and, you know, half-baked, you know, all kinds of faith healers and other things. So this is very, very common in our society. So this, again, I think we need to deal with it, because rather than, because today is the science era, you know, we cannot go into those outdated, you know, kind of things. People are going and seeking those kinds of things, you know,
which is scientifically is not correct. So being in a scientific era, they should made aware of it, and then we should take the help of a psychiatrist as it is available in our hospital. So I think this is what I wanted to convey. Thank you so much, sir. Dr. Bardi has rightly said that early stages mein it's very important ki patients ko jo insight jab patient ka nahi hota hai तो उस वक्त कोई जो है स्ट्रिक्टली पेशेंट को टाइम टाइम पे मेडिकेशन दे दे वो इंपॉर्टेंट है एंटीसाइकोटिक्स में, या डॉक्टर साहब ने कहा जो SSRIs एंटी डिप्रेसेंट्स हैं. कोई मदर हो या फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई इस चीज़ का ख्याल रखे कि कितने डोसेज या कितने टेबलेट्स शाम को देना है, लंच में देना है या मॉर्निंग में देना है. जैसे सर ने कहा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सारे मेडिकेशन साथ में ही लेते हैं बिकॉज उस वक्त उसको सही गलत का पहचान नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ीज़. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियली जब तक उसका इंसाइट वापस नहीं आता है पेशेंट का, तब तक हमें कोई जो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करे डोसेज ऑफ द ड्रग जब तक पेशेंट फुली रिकवर ना हो जाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो सुसाइडल टेंडेंसीज इंक्रीज़ करते हैं, जो अभी हमने कहा कि सुसाइडल के केसेस में भी इजाफा कई हो, बहुत इजाफा हो रहा है. तो आप इस पर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए डॉक्टर कि कौन से ड्रग्स हैं जो सुसाइडल टेंडेंसीज को इंक्रीज़ करता है, और ऐसे ड्रग्स अगर हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो किस किस सुपरविजन में वो ड्रग्स ले लें पेशेंट. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. बेसिकली सुसाइड इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू. Recently, there has been these incidents, and we need to have a good this presentation and debate on this, or we should talk on this suicide prevention and all. Basically, the trend has been in India, there have been more than 140,000 these suicides each year. The number is 140,000. This number is in 2019. I guess it's more than 170,000 currently per year. And every day 28 students commit suicide in India, which is very huge number. And similarly, if we see that the reason for these suicidal behaviors and all, one of the important reasons, untreated mental health issue. Agar kisi ko depression hai, agar kisi ko bipolar disorder hai, agar kisi ko bipolar depression hai, to un cheezon ko jab treatment nahi hota hai sahi se, तो उसमें वो डिप्रेशन सुसाइड में लैंड होते हैं. क्योंकि बिकॉज व्हेन ए पेशेंट हैज सीवियर डिप्रेशन, जब किसी को सीवियर डिप्रेशन होता है तो ही लूजेस होप, ही लूजेस दिस होप इन लिविंग, तो ही हैज़ डेथ विशेस, ही हैज़ सुसाइडल आइडिएशन. सो बेसिकली दिस इज़ अ सेंसिटिव इशू. एंड जैसे सर ने बोला अभी कुछ ड्रग्स है, जैसे कुछ ड्रग्स की वजह से सुसाइडल बिहेवियर आ सकता है पेशेंट्स में, तो हमें ट्रीटमेंट करने के दौरान ये ख्याल रखना चाहिए. इनिशियली सर, जब ट्रीटमेंट डिप्रेशन जब पेशेंट जब हमारे पास आता है सीवियर डिप्रेशन या मॉडरेट डिप्रेशन करके, बेसिकली दीज पेशेंट्स हैव साइकोमोटर रिटार्डेशन. साइकोमोटर रिटार्डेशन मीन्स दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स, दे आर नॉट एबल टू गेट अप, दे आर नॉट एबल टू एनर्जाइज इन टू मोशन. सो दिस दे बेसिकली सिट एट वन प्लेस, दे डोंट टॉक दैट मच, दे हैव लो स्पीच, दे हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ स्पीच. बट when we start antidepressant to these patients, जब हम antidepressant पर डालते हैं during the initial few weeks, they get energized, इनको energy मिलती है. तो if they had suicidal ideation, that could get worse, this could be disastrous for the patient. We are treating the patient, we are trying to help, and the treatment is adequate, but the underlying suicidal behavior which the patient has, this might trigger in, because we are energizing the patient. So उस time तक patient को कोई energy नहीं थी कुछ करने की, जो ही हमने antidepressant दिया he gets into energy, इसको थोड़ा मिलता है, so that time patient can commit suicide. So this is very important during the treatment of depression, so we always have to rule out any suicidal behavior or suicidal ideation. So similarly we have certain drugs like we have central dopamine depleters, so basically they are not in use, so they can cause also suicidal behavior. And when we use mood stabilizers, it has been seen that certain mood stabilizers, like we have many mood stabilizers like sodium valproate, carbamazepine, oxcarbamazepine, we have lithium. So lithium has anti this suicidal property. This is we have only one medication I guess with us that has anti suicidal property, that is lithium. So basically these early on, if we add mood stabilizer to some patient, so that can also cause suicidal behavior. So for the treatment of suicidal behavior in a patient in general, I will say that we have to treat the underlying issue. If anybody has financial circumstances, so if anybody has no escape from the life problems, or anybody has underlying mental health issue, that is to be treated per se. But for this for pharmacological management, we have lithium. Lithium has good
this anti-suicidal properties, and also ECT, electroconvulsive therapy. If a patient is severely suicidal, after certain these sessions of ECT, the suicidal behavior improves greatly. So basically, main motive is to treat the underlying this mental health issue. Antipsychotic treatment pe hum rakhe hote hain patient ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनमें वो कंटिन्यू हमें रखना चाहिए. उसका ड्रॉबैक्स क्या है या उसको कैसे मतलब दूसरे आप ड्रग्स पे चेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एंटीसाइकोटिक वो बाहर से लेके उस ट्रीटमेंट पे है. और एक पेशेंट को तो मैंने वो फॉलो अप में रखा, वो ऑलरेडी लेके उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया था, उसके बाद फिर डिलीवर हो गई, उसके बाद फिर हमने ऑब्जर्वेशन में भी रखा, तो एज सच कोई जो ग्रॉस एनोमलीज हमने बेबी में नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप उस पर थोड़ा सा बता दें. थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन. बेसिकली ये डिपेंड है मैम सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स. अगर जैसे हमारे पास एंग्जाइटी जो मैनेज कर सकता है पेशेंट, या उसको प्रीवियस जो डिलीवरी हुई थी उस टाइम ठीक रही थी, या इस पर भी डिपेंड करेगा सिवेरिटी ऑफ कंडीशन क्या है. जैसे हमारे पास प्रीवियसली कोई पेशेंट आई हमारे पास जिसको पोस्टमार्टम साइकोसिस थी, अभी उसकी दूसरी डिलीवरी है, सो चांसेस आर दैट दिस पेशेंट माइट गेट साइकोसिस आफ्टर डिलीवरी. सो प्रोफाइलैक्टिकली वी यूज एंटीसाइकोटिक, हम दे सकते हैं उसमें. ओलांजेपिन इज सेफ एट दैट टाइम, इवन ज्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल, सो उस टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं मेडिकेशन. या कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास विच हैव दीज टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, जैसे हमारे पास सोडियम वैलप्रेट है, दिस कैन नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी. लाइक वी हैव फेनिटोइन, वी हैव लिथियम कॉज इबिस्टिन एनोमली इन हार्ट. सो ऐसे मेडिकेशंस हैं जो नहीं दे सकते हैं, जो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. हाँ, ये है एंटीसाइकोटिक्स जो हमारे पास है, दे आर रिलेटिवली सेफ, दे कैन बी गिवन एंड दे कैन बी कंटिन्यू टू प्रेगनेंसी. सो बेसिकली मैम इसमें यह है कि हम देखते हैं रिस्क बेनिफिट एनालिसिस. अगर रिस्क ये है कि पेशेंट को बार बार साइकोसिस हो रहा है बार बार, तो जो रिस्क रहता है बच्चे को भी माँ को भी, सो एट दैट टाइम वी कैन कंटिन्यू, देयर इज नो हार्म इन डिसकंटिन्यूइंग द मेडिकेशन. सो ओलांजेपिन, रेस्पिराडोन, दे आर यूजुअली दे आर सेफ एंड दे आर नॉट सिक्रेटेड इन ब्रेस्ट मिल्क दैट मच अमाउंट, सो वी कैन कंटिन्यू. लाइक वी हैव एंटी डिप्रेसेंट सर्टलिन, सर्टलिन कैन बी गिवन बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इट हैज़ नो हार्म ऑन द बेबी. सो सो दिस कैन बी कंटिन्यूड आफ्टर वेइंग द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द पेशेंट. थैंक यू. ओके, we have seen in our OPDs also, we have lot many patients who are already on medication, especially antidepressants, antipsychotic, and they have been taking these drugs for years together. So what is your take on that, sir? Thank you for the question, sir. Basically this is an important question. So basically it depends upon, sir, we have psychiatric disorders, they are classified into common psychiatric issue and severe mental health issues. Common psychiatric issues are anxiety, depression, and somatization disorder. So these are in simple terms I am saying. So severe mental health issues include this schizophrenia, bipolar disorder, and severe depression, depression with psychotic features. These are all severe mental health issues. So according to guidelines, sir, I will say guidelines, what they say about the treatment. If a patient has first episode depression, so sir, the treatment should be continued for 6 to 9 months. This is the guideline, nice guidelines or CanMed guidelines, whatever guidelines we are following. We have to continue treatment for 6 to 9 months. So during that time period, we have to strengthen the defense mechanisms of patient. Basically, sir, jo stresses ke saath deal karne mein hame aage jaake madad karta hai ya psychiatric disorders ko prevent karne mein madad karta hai, they are called defense mechanisms. Wo hame childhood se parenting jaise hamari ki gayi hoti hai, to wo usi hisab se bante hai jaise schooling ki gayi hoti hai, to that becomes in childhood. So basically is so strengthening defense mechanisms through psychological intervention. Jaise unke wo thoda sa coping mechanism acche hote hai, jaise social support unka acha banta hai, coping with the problems, coping jo unke डेली लाइफ में होते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट किया, तो डिप्रेसिव एपिसोड यूजुअली रिजॉल्व्स इन 1 month. जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं 1 month, फिर हम प्रोफाइलैक्टिक देते हैं 6 to 9 months, आफ्टर दैट वी स्टॉप मेडिकेशन. सर फिर डिपेंड करता है, अगर 2 एपिसोड्स हुए किसी को डिप्रेशन के, सो द गाइडलाइंस आर फॉर 2 years. अगर उससे ज़्यादा है, सो देन वी नीड टू कंटिन्यू फॉर 2-3 years दिस मेडिकेशन. सो बेसिकली दिस साइकोलॉजिकल अप्रोच और साइकोथेरेपी, दिस CBT एंड ऑल, बेसिकली दे हैव दिस एडवांटेज कि वो पेशेंट को वो डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग स्ट्रैटेजीज, सोशल सपोर्ट, ये ऑल चीज़ें उस चीज़ के लिए हैं कि बेसिकली ही लर्न्स हाउ टू डील विद द स्ट्रेसेस ऑफ डेली लाइफ.
सर सिमिलरली हमारे पास होते हैं, अब ये कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जिनका ट्रीटमेंट ऐसे है सिवियर। अब हमारे पास साइकोसिस है, साइकोसिस का ट्रीटमेंट सर आपको पता है सिज़ोफ्रेनिया इट्स अ लाइफ लॉन्ग इलनेस एंड इट्स अ क्रॉनिक इलनेस। यूजुअली द पेशेंट्स आई हैव फ्रॉम ऑल दिस 4-5 ईयर्स, सो दिस पेशेंट्स सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स दे नीड ट्रीटमेंट फॉर लाइफ लॉन्ग। There are guidelines for 1-2 years for first episode, 5 years for second episode. But I have seen in practice, usually they don't improve that much. But psychotic patients who have schizophrenia, they need treatment for lifelong. So other bipolar disorder, we can reduce the treatment to some extent. We can put them patient on minimal medication. So basically, bipolar disorder is episodic disorder like depression. So it has a good prognosis as compared to psychosis. So psychosis is the only psychiatric disease that needs a very this long-term treatment. So, sir, for other conditions, I think 1 year or so that's needed for this treatment. But it also depends upon the severity. If a person has 3-4 episodes or 5 episodes, जिसको हम बोलते हैं recurrent depressive disorder, so उसको भी lifelong treatment करना पड़ता है. Because when we cut or stop the medication of that patient, so the depressive episode comes back. So basically, we are not with any other choice. लेफ्ट बिकॉज जैसे दवाई बंद की डिप्रेसिव एपिसोड वापस आता है एंड दैट डिप्रेसिव एपिसोड इज वेरी सिवियर इन दिस रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर पेशेंट्स। सो फॉर दोज पेशेंट्स दैट दिस मेडिकेशन टेक्स सम टाइम, सो दिस मे बी कंटिन्यूड फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सो एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे अभी हमने कहा कि मैम रिसेंटली हमने संघ में कैंप किया था साइकेट्रिक इशूज, तो वहाँ पे हमने ये देखा मैम कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस या कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस में साइकेटिक डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे बहुत से बच्चे आई थे मैम डिप्रेशन को लेके, एनजाइटी लेके या फोबियाज को लेके। तो बीइंग ए एजुकेशनिस्ट आपका क्या मैसेज होगा मैम, आप बीइंग ए पेरेंट्स या स्कूल के बच्चों को क्या मैसेज होगा कि किस तरह से वो स्ट्रेसेस को कम करें या बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेज जो भी हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं आप, प्लीज़ आपका मैसेज मैम टू द जी। अभी देखिए अभी तक जितने भी डिस्कशन हो गए वो एक चाहे कोई स्टूडेंट हो चाहे कोई यूथ हो या एडल्ट हो, बीमार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। लेकिन मेरा ये फोकस इस बात पे होगा कि बीमार होने से पहले ही हम किस तरह से इस बीमारी से बचाया जा सके। तो जहाँ तक आपके हमारे जो स्कूल सिस्टम का ये कंसर्न है, एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा फोकस जो दिया हुआ है वो स्ट्रेस फ्री ऑन स्टूडेंट्स का पॉलिसी बना हुआ है, जिसमें देखिए एजुकेशन का जो सिस्टम है वो 3-tier system है, टीचर पेरेंट एंड स्टूडेंट्स। ये 3-tier system का जो रिलेशनशिप है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, और इस तरह के जो उनका साइकेट्रिक इशू या मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के इश्यूज को हमें बिल्कुल वो डिनाई करना है, वो आना नहीं चाहिए। तो अभी आप देखिए कि मेरा बहुत सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, अभी हायर एजुकेशन लेवल पे भी। आप ठीक बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्ट्रेस में होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि उनको वो एटमॉस्फेयर जो एक एक स्टूडेंट के लिए एक चाइल्डहुड से लेके एडल्ट से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल का, जो स्टूडेंट तो स्टूडेंट है और स्टूडेंट के ऊपर अदरवाइज आल्सो बहुत प्रेशर होता है स्टडीज़ को लेके, कंपटीशन बहुत है और अभी कंपटीशन अब दिन ब दिन जो है बढ़ रहा है। आज ऐसा कंपटीशन आ गया है कि नेशनल लेवल के कंपटीशन में स्टूडेंट्स को वो फोकस करना है और उसमें कम्पीट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इन सब को करने के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँ और पब्लिक को भी बताना चाहूँगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इतना फ्लेक्सिबल बनाया है स्टूडेंट्स के लिए कि आपका एंट्री एग्जिट सिस्टम बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 ईयर्स का कोर्स है, 4 ईयर्स में अगर आप बीच में छोड़ के कहीं और कुछ करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा एंट्री होगा। देखिए इतना फ्लेक्सिबल बनाया है एजुकेशन सिस्टम को। प्लस हमने ये देखा है कि एक तो स्टूडेंट्स यूथ का अपने आप में एक प्रेशर होता है, दूसरा अगर टीचर भी उसको प्रेशर पुट ऑफ करे और फिर पेरेंट्स भी करे तो अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट जो है बच्चे का मेंटल और फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ पे भी। और
आप देखिए कि स्टूडेंट्स को हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कल्चर घर में या स्कूल में होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो फ्री एटमॉस्फेयर में बच्चा, क्योंकि हर एक का अपना एक माइंड होता है, वो उसी हिसाब से काम करे, ना कि आप किसी, ना कोई टीचर प्रेशर दे सकता है और ना कोई पेरेंट्स बच्चे के ऊपर इतना प्रेशराइज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा एक केस की स्कूल में इतना होमवर्क, अभी देखिए आप लोगों ने भी सुना होगा कि स्पेशली प्राइमरी मिडिल स्कूल के लिए नो बैग का सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि बैग घर में लेना ही नहीं है स्टूडेंट को, वो स्कूल में ही छोड़ के जाना है, जो भी हो, चाहे होमवर्क हो या उसका स्टडीज़ का हो या उसका अदर एक्टिविटीज़ हो, वो सारा स्कूल में ही करना है। लेकिन यहाँ पर इतना, ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे चाहे प्राइवेट स्कूल्स है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स का भी यही होगा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल जो है बहुत प्रेशर बच्चों के ऊपर दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ज़्यादातर एजुकेटेड पेरेंट्स के जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, और उनका भी बहुत एम्बिशियस होता है पेरेंट्स भी, तो ले दे के टीचर और पेरेंट मिल के सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बच्चे पे दे देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि बच्चा उतना परफॉर्म नहीं कर सकता है जितना एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का बहुत हाई होता है। अगर इसके बनिस्बत अगर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि एक बच्चे को आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने हिसाब से बच्चे को चलने दें, तो वो ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है स्कूल्स में। इसलिए अभी जो एंग्जाइटी जो अब है, डिप्रेशन जो है, वो ज़्यादा इसी वजह से है हमारे सोसाइटी, तो सोसाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सबसे दूसरी बात ये है, देखिए अभी एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हमारे पूरे सोसाइटी में देने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी देखिए, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में आप सोशल मीडिया में देखिए, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। आप गुड और बैड का जो डिफरेंस है वो बताना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी। आप पेरेंट्स में भी आप देखिए कैटेगरी है, यहाँ पर जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, जो इलिटरेट हैं उनको कुछ भी नहीं पता उन पेरेंट्स को, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके बच्चे जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, द ये जो है आप सब लोग जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स करते हैं, मुझे लगता है कि जॉइंटली इसमें एक ऐसा हमें मिशन चलाना चाहिए कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखिए मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताते हैं कि 60% से ज़्यादा जो है वो अदरवाइज दे लिव इन डिप्रेशन, लेकिन उसमें कुछ मैनेज कर सकते हैं, कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेस को मैनेज करना, अगर कहीं स्ट्रेस में पड़ रहे तो उसको मैनेज कैसे करना है, दैट तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप देखिए अभी हम लोग स्कूल्स में जो सिस्टम बना हुआ है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेडिकेशन वी आर एंगेजिंग काउंसलर्स। मैं ये सब बताना चाहती हूँ इस माध्यम से कि स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक हम काउंसलर्स एंगेज करते हैं, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट वी हैव टू डायग्नोज द स्ट्रेस। आपको अगर कोई एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसका डायग्नोज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका रीज़न क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, क्या इशू है जिस वजह से आप डिप्रेशन में हो या एंग्जाइटी हो, तो डायग्नोज होने के बाद इट इज़ वेरी ईजियर टू यू नो ट्रीट द थिंग। तो इसलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि काउंसलर्स के थ्रू, रिसेंटली मैं सिर्फ एक एपिसोड बताता हूँ, मेरे पास एक केस यूनिवर्सिटी का पीजी लेवल की स्टूडेंट है, शी रिमेन एब्सेंट फॉर 2-3 मंथ्स फ्रॉम द कैंपस एंड शी वॉज नॉट एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन बिकॉज अटेंडेंस का परसेंटेज वो 75-80 होना बहुत ज़रूरी है। देन द टीचर्स ने मुझे बता दिया एसेट कि आप उनको मेरे पास लाइए, मैं देखती हूँ कि उसका क्या इशू है। तो शी केम टू मी, उनके पेरेंट्स आ गए, उन्होंने पेरेंट्स ने मेरे पास लाया, और मैंने जब उसको पूछा कि क्या रीज़न है, तो वो बोल रही थी कि मैं क्लासरूम में जब बैठती हूँ कभी मुझे एकदम से रोना आ जाता है, मैं फेंट हो जाती हूँ, मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट्स भी परेशान थे कि हमें, क्योंकि देवर इलिटरेट, उनको कुछ नहीं पता था।
तो वो भी थे, तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी आप एग्ज़ाम का तो अभी मैं देख लूँगी विल बी गोइंग टू अपीयर और नॉट। तो मैंने उसको इमीडिएटली काउंसलर को रेफ़र किया। हमारे जो साइकेट्रिक डॉक्टर भी है, काउंसलर भी है, जो मोटिवेशनल जो है ना ऐसे उसको काउंसलिंग करते हैं कि उसका वो डायग्नोस करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि विद इन टू वीक्स, जहाँ वो थ्री मंथ्स जो घर में बैठ के नहीं आ रही थी, विद इन टू वीक्स में वो बिल्कुल ठीक हो गई। नाउ शी इज़ सो एक्टिव, और मैंने जब देखा इसका क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो मेरे कहने का ये एक मैसेज ऐसा है कि हम सिर्फ मेडिकेशन की बात ना करें, बल्कि हम उसको प्रिवेंशन की बात करें कि हम ऐसे केसेस को डायग्नोस करके उसके बाद फिर कैसे हम प्रिवेंट करें, ताकि सोसाइटी में फिर इस तरह के केस जो है हमारा बजाय बढ़ने के कम हो जाए। यही मेरा मैसेज होगा, और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ये किसी भी चीज़ को इतना बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी, क्योंकि हर एक चीज़ का सिस्टम बना हुआ है, चाहे आपका अपने घर का सिस्टम हो, स्कूल का सिस्टम हो, सोसाइटी का हो। आज इतना वक्त इतना बदल गया है कि हर एक में अवेयरनेस जो है वो अपने आप में है, और हर एक बच्चे में अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने दो, उसको ऐसा एनवायरनमेंट आप दे दीजिए कि वो अपनी एबिलिटी को, अपनी इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज़ करके वो इसे फिर प्रोग्रेशन की तरफ जाए, तो बच्चा खुद ब खुद आगे जाएगा। और यही एक दिन का नहीं होता है, यूथ में अगर आप जो कह रहे हैं इतने केसेस आते हैं, वो उसके बैकग्राउंड अगर आप जाएंगे, केस स्टडी आप देखेंगे, तो उसका स्टार्टिंग से चाइल्डहुड से उसको हुआ होगा, और जब उस स्टेज पर पहुँचेंगे एडल्ट में, तो उस टाइम पे उसका बढ़ा हुआ होगा, और इसलिए ये केसेस आ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए एक ऐसा मिशन डॉक्टर्स को, एजुकेशनिस्ट को, सोसाइटी के पेरेंट्स को, सबको मिलके करना चाहिए, ताकि ऐसे केसेस जो है हमारा बजाय बढ़ने के डिक्रीज हो जाए। ये मेरा मैसेज होगा जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम असल में बच्चों के जो स्ट्रेस फ्री माहौल का हमारा मेन मकसद ये था मैम, क्योंकि हमारी आजकल के यही बच्चे जो कल के हमारे कौम का मेमार हैं, यही लोग जो हैं कल को जाके हमारे कंट्री को आगे ले जाएंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारी यूटी को आगे ले जाएंगे। तो इसीलिए एक हेल्दी बच्चा होना, एक हेल्दी माइंड होना हमारे आजकल के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल का जो कंपटीशन का जो दौर है, इसमें वो लोग माशाल्लाह आजकल हमारे बच्चे हर लेवल पे बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैम कि जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए भी एक स्ट्रेस फ्री माहौल हो, ताकि वो भी आगे जाके हर एक चीज़ में, हर एक कंपटीशन लेवल पे वो कम्पीट कर सकें। तो मेरा और एक डॉक्टर सज्जाद से एक मैसेज होगा कि पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे, कि जैसे अभी मैंने कहा कि एक स्ट्रेस फ्री माहौल बच्चों के लिए हो, एक डिज़ीज़ फ्री, साइकेट्रिक डिज़ीज़ फ्री माहौल हमारे डिस्ट्रिक्ट का हो या कंट्री का हो, उसके लिए क्या मैसेज होगा सर आप? थैंक यू डॉक्टर फातिमा। जैसा कि ये प्रोग्राम ही आम पब्लिक के लिए है, तो मैं ये कहूँगा कि इस दौर में स्ट्रेस फ्री माहौल होगा ही नहीं, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर, ड्यू टू परफॉर्मेंस प्रेशर, ये हमेशा रहेगा। अब हमारा मोटो होगा कि स्ट्रेस कोप कैसे करें, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना, ख़ासकर पेरेंट्स को इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डॉक्टर्स हैं, हमने तो अभी तक जो डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये हमारे लिए ही था। आम पब्लिक के लिए ये है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री माहौल नहीं दे सकते हम, बच्चों के लिए पेरेंट्स और कम्युनिटी कैसे उनको उस स्ट्रेस से कोप करना सीखें, ये ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहला मैसेज पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ भाई बच्चों को पढ़ाना है, बटालिक से करगिल भेज देते हैं, संघ को पानीघर से करगिल भेज देते हैं, द्रास से करगिल भेज देते हैं, एक रूम बना के रखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कभी देखते नहीं, उनको ये लगता है कि इनको टाइम टाइम पे किराया दे दो और पैसा दे दो, तो अब बच्चे एकदम, क्योंकि उन पे मैंने कहा फाइनेंशियल प्रेशर और परफॉर्मेंस प्रेशर हमेशा रहेगा, क्योंकि मैडम ने कहा कि आजकल कम्पिटिटिव दौर है, तो ये तो अब रहेगा। अब ये है कि पेरेंट्स को ये करना है कि काउंसलिंग करें,
और कम्युनिटी को भी ये कहें कि जैसे कि बच्चों को हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और इवन रिलीजियस एक्टिविटीज़ वो सब करते रहें, टाइम पे बाहर आउटडोर गेमिंग भी करें। और इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का। आपको पता होगा कि आज से 2-2.5 साल पहले करगिल बिल्कुल तो नहीं कह सकते 99% ड्रग फ्री था, सबस्टेंस एब्यूज ड्रग्स बिल्कुल फ्री था। क्या वजह हुआ कि इसी 2.5 साल के अंदर ये डिसहार्डनिंग है, मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताना चाहते, बड़ा डिसहार्डनिंग है। हम खुद हैरान होते इतने यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं या खुद करगिल में पढ़ रहे हैं कि वो सारे ड्रग एडिक्शन के शिकार हो गए। आपको यकीन नहीं आएगा इन 2 सालों में कुछ लड़कियाँ आएँ जो ड्रग एडिक्ट के शिकार हैं। ये डिसहार्डनिंग है पब्लिक के लिए, हम उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमने जम्मू में, चंडीगढ़ में, पुणे तक में पेशेंट स्टूडेंट्स को भेज दिया है, लेकिन वो किन के साथ रहता है? क्योंकि दे आर वेरी वल्नरेबल। मैंने कहा ना ये दो प्रेशर हैं, फाइनेंशियल प्रेशर और परफॉर्मेंस प्रेशर है। तो ज़रा से भी उनमें एक नोशन है कि भाई स्ट्रेस को कम करना है तो हमें कुछ पीना पड़ेगा, मतलब एक अजीब सा नोशन बच्चों में आ गया है कि हम पे मतलब थोड़ा सा टेंशन हो गया तो कहते हैं कि सिगरेट पीने से टेंशन कम होता है। पहले वो सिगरेट लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे नशा करते रहते हैं। तो हमें ये मालूम करना है कि ये करगिल जो इतना खूबसूरत था, जो ये ड्रग एडिक्शन से बिल्कुल फ्री था, 2.5 साल में ये कैसे हो गया? क्या हम भी हिमाचल प्रदेश बनने जा रहे हैं? क्या हम भी कश्मीर बनने जा रहे हैं? क्या हम भी पंजाब बनने जा रहे हैं? अभी भी रोकना है, अभी भी टाइम है। तो सारे पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे ध्यान रखें, कम्युनिटी, पॉलिटिशियन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट है कि इस मैनेज के बारे में पब्लिक को उजागर करें और अपने बच्चों को और कम्युनिटी को हमें बचाएं, करगिल को बचाएं। अब भी वक्त है, नहीं तो ये 5 साल में एपिडेमिक बन जाएगा। करगिल में अभी एंडेमिक है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें बहुत पेन हो रहा है, बच्चों को खासकर लड़कियों तक को इस एडिक्शन के शिकार हुआ है। अब भी हमारे पास टाइम है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हमारे रिक्वेस्ट है कि ये सोर्स पता करें, ये अल्कोहल इतने आसानी से कहाँ मिल रहे हैं, ये ड्रग्स इतने ईजीली कैसे मिलते हैं इन बच्चों को। और ख़ासकर जो इन 2.5 सालों में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करगिल में हुआ, जिससे आपको पता है जितने भी मतलब ट्रक ड्राइवर्स, टिपर ड्राइवर्स जो बाहर से आते हैं या उनसे आता होगा, या लेबरर्स आते हैं राजौरी, पूंछ से, पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, बिहार से, क्योंकि एक इजी सोर्स ऑफ मनी है। लखपति करोड़पति बनने के लिए इसमें कोई मेहनत नहीं है। अगर हम इस तरह से गफलत में रहें तो हमारे बच्चे सारे इस ड्रग एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं और एपिडेमिक होने जा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि सोर्स का पता करें, और हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिशियंस, इन सब की जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की, कम्युनिटी की, कि इस बात पे ध्यान रखें, बच्चों का खास ख्याल रखें, उनको एजुकेशन देते रहें, उनसे काउंसलिंग करते रहें, कम्युनिकेशन करते रहें। और डॉक्टर्स तो अपना काम करेंगे, डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जैसे कि सब ने कहा कि ये एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है और ये क्रॉनिक, ये चलता रहने वाली चीज़ फ्यूचर में, तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सज्जाद, जो आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया पब्लिक को। जो यंगर एज ग्रुप में जो सबस्टांस अब्यूज के जो शिकार बच्चे हो रहे हैं उसके लिए, या सबस्टांस अब्यूज की जो चीज़ें, जो आपने कहा कि हीरोइन के केस हमारे पास हैं, चरस के केसेस बच्चे ले रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, टबैको जैसे सर ने कहा इज़ द गेट वे टू ऑल द अदर ड्रग्स। तो आज के जो इस पैनल डिस्कशन में जो डॉक्टर साहबान, जैसे डॉक्टर बर्दी साहब, डॉक्टर अजहर साहब, डॉक्टर सज्जाद सर्जन, डॉक्टर तनवीर मैम, कनीज मैम, एजुकेशनिस्ट डॉक्टर जहरा, डॉक्टर मुर्तजा अली, आप सबका, मैं इस नोडल ऑफिसर, आप सबका आज के इस पैनल डिस्कशन में शमूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की प्रेजेंस से ही आज का ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। और मुझे लगता है कि आज का जो हमने पैनल डिस्कशन रखा, इससे भी लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पेरेंटहुड पे बात की, जैसे मैम ने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लोगों को अवेयर किया, जैसे डॉक्टर जोहरा ने साइकेट्रिक पोस्ट परफ्यूरल साइकोसिस के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी मैम हम ऐसे और भी पैनल डिस्कशंस का प्रोग्राम रखें, ताकि लोग अगर
कोई बंदा साइकेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में जो अवेयर नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर करने की कोशिश करें सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।